मैं हमको बेटा तो चाहिए, मैं किसके पास जाऊँ? अब हार कर आपके पास और ये संसद के पास आया हूँ। वो दिन से नहीं आई, उस दिन से इंतजार करते हैं। हमें तो हमारा बेटा चाहिए ना। नमस्कार, मैं दीदी शर्मा, आप देख रहे हैं जनता तो बोलेगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे माता पिता से जो छत्तीसगढ़ रायपुर से देश की राजधानी दिल्ली तक आ चुके हैं और वो दर दर भटकते हुए अपने इकलौते बेटे, इकलौते जवान बेटे को ढूंढते हुए, जो कि 24 साल का है, उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं पे प्रशासन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, कार्रवाई नहीं कर रहा है। लेकिन जिस तरह से भारत लोकतंत्र का देश है और कहा जाता है कि प्रशासन हर जगह है, कानून हर जगह है, तो कहाँ गया वो कानून, कहाँ गया वो प्रशासन? आइए बात करते हैं भावेश कुमार झा के माता पिता से। क्या हुआ था सर, आपका जो आपके बेटे थे उनसे आपकी लास्ट बार कब बात हुई थी, कैसे मिसिंग हुए, क्या हुआ, कुछ बताइए। मैम, मेरा लड़का भावेश कुमार झा रायगढ़ के पूंजी पथरा में जॉब करता था जी। और वो 20 फरवरी को रायपुर से निकला विशाखापट्टनम के लिए, 22 तारीख को वो विशाखापट्टनम से माँ से कुछ पैसे भी मंगाया और उस दिन से उसका नंबर बंद है। 22 फरवरी के बाद 8 मार्च को होली तक इंतजार किए हम, उसके बाद से ढूंढते हुए 10 मार्च को मैं लोकल थाना पूंजी पथरा रायगढ़ वहाँ उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की। वहाँ से क्या जवाब आया, कुछ वहाँ से कार्रवाई हुई? वहाँ मैं कई बार गया हूँ मैम, हमेशा यही जवाब मिला है कि फ़ोन ट्रैक हो रही है। और उसके बाद मैं उड़ीसा से 26 तारीख को एक अनोन नंबर से मैसेज भी आया था मेरे पास, उस नंबर के लिए भी मैं उड़ीसा भी गया था, तो वहाँ की पुलिस बोल रही है कि ये इन्वेस्टिगेट जहाँ रजिस्टर्ड है वो पुलिस करेगी। तो कोई आपको तसल्लीपूर्वक जवाब नहीं दिया जा रहा है? जहाँ उसका लास्ट विजिट हुआ है मैम, 22 तारीख को वो पैसा निकाला है, 22 तारीख को वहाँ भी मैं गया था, CCTV में वहाँ का है, लेकिन वहाँ की पुलिस बोल रही है कि लड़का आया होगा और स्टेशन से चला गया होगा। मैं अभी तीनों स्टेट की पुलिसों के पास दर दर भटक रहा हूँ। हमको बेटा तो चाहिए, मैं किसके पास जाऊँ? एक ही बेटा है और पूरे घर का जवाबदार लड़का है वो। अभी उसकी एक बहन है, पढ़ाना लिखाना है, बूढ़े बाप का इलाज करवाना, बूढ़ी माँ, हम किसके पास जाएँ? अब हार कर आपके पास और ये संसद के पास आया हूँ। बस आशा है कि आप लोग हमारी मदद करें जी। माता जी, आपसे कब आखिरी बार बात हुई थी, आपसे क्या कहा था? हमरा बोला से मम्मी तू चिंता मत कर, हम होली का एक दिन पहले आएंगे। तो हम सब बोले हाँ बेटा चले आइए, उस दिन से नहीं आई, हम सब उस दिन से इंतजार करते हैं। बेटा के लिए इंतजार नहीं करेंगे तो किसका लेल करेंगे? पूरे छत्तीसगढ़ का हर शहर ढूंढ चुका हूँ मैम, उड़ीसा का करीब जाजपुर से लेकर ब्रह्मपुर तक, राउरकेला, झारसुगड़ा, रायगढ़, एक भी स्टील प्लांट का हब नहीं है। इधर आंध्र प्रदेश में सिकंदराबाद तक, वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर तक, महाराष्ट्र का गोंदिया चंद्रपुर तक, हर जगह गया हूँ, हर जगह पुलिस को टच किया हूँ, RPF, GRP, लोकल पुलिस, हर जगह टच किया हूँ, लेकिन कहीं से अभी तो कोई लिंक नहीं मिला। फोन, लास्ट लोकेशन, वहाँ से भी आपको कुछ पता चला? कुछ नहीं मैम, 22 फरवरी को CCTV में विशाखापट्टनम में देखा गया है, मैं भी देखा हूँ, और 22 फरवरी के बाद से उसका मोबाइल बंद हो गया है। 26 फरवरी से जिस अनोन नंबर से मैसेज आया था हमको, वो नंबर भी बंद हो गया है। जिस कंपनी में काम करते थे वहाँ से वो क्या बोल के गए थे, घर के लिए या फिर कहाँ के? नहीं, वहाँ वो 15 फरवरी को मैनेजमेंट से कुछ हिसाब किताब नहीं बना उसका, तो 15 फरवरी को काम छोड़ दिया। 16 को रायगढ़ में ही था, 17 को रायपुर आ गया, 3 दिन रहा, और 20 को फिर माँ से भाड़ा का पैसा लेके क्या बोल के गए थे कि विशाखापट्टनम जा रहा हूँ। आपने पूछा नहीं क्यों जा रहे हैं? हाँ, वो NTPC में कहीं जॉब था, आयरन प्लांट का ऑपरेटर है, 24,000-25,000 रुपये पेमेंट है मैम उसकी। ये सब आपकी, ये सब ये जो कंप्लेंट्स कराई है, कॉल रिकॉर्ड्स है, उनको स्ट्रेस किए, उनकी डिटेल्स है। जी हाँ मैम, ये जो लास्ट मैसेज आया है अनोन नंबर से, ये वो है, ये विशाखापट्टनम में जहाँ देखा गया है 22 फरवरी को, ये उसका लोकेशन है। एक अनोन नंबर से और उड़ीसा में भी मैं कॉल आया था पैसे की डिमांड, हाँ वहाँ मैं सुपरिटेंडेंट सर कोरापुट उनसे भी मिला हूँ, मैं हर जगह दौड़ रहा हूँ, लेकिन कहीं से कोई तसल्लीपूर्वक जवाब नहीं आया। पुलिस को मैं सारा नंबर दे चुका हूँ, उसके दोस्तों का, जहाँ भी कुछ हो, कहीं ना कहीं कुछ तो है, मेरा लड़का इतना गलत संगति, कोई ब्लैकमेल कर रहा था कहीं से, कुछ ऐसी कुछ हो सकता है, इसी चीज़ को ढूंढ रहा हूँ मैं कि आखिर क्या है, क्यों? हमें तो हमारा बेटा चाहिए ना, इसलिए आप लोगों के पास आया हूँ। ये आपकी बेटी की फोटो है? जी, एक ही लड़का है हमारा, शिव कुमार झा मेरा नाम है, मेरे लड़के का नाम भावेश कुमार झा है जी।
कब आखिरी बार यहाँ पे गए थे? दो साल हुआ। दो साल, हाँ। तो आप देश की सरकार से क्या क्या कहना चाहते हैं? मैं ये तीनों स्टेट की पुलिस के पास दौड़ते दौड़ते परेशान हो गया हूँ। बूढ़ा आदमी, मेरी खोजने के क्रम में मेरी नौकरी भी चली गई है, तो बार बार छुट्टी लेने के कारण कंपनी मेरा काम भी बंद कर दी है। अब मैं पढ़ाई लिखाई ये घर संभव आपके अभी घर का खर्च कैसे चल रहा है? जब आपका बेटा पूरा घर की जिम्मेदारी निभाता था, उठा रहा था, तो अब आप घर कैसे संभाल रहे हैं? सब माता रानी के भरोसे जैसे तैसे चला रहा हूँ, और क्या करूँ। बच्चे को भी देखना जरूरी है, बेटी को भी देखना जरूरी है। मार्च के बाद से अभी तक कहीं से कोई कॉल मैसेज, कोई अननोन नंबर से कॉल मैसेज, कहीं से कुछ नहीं आया? मार्च के बाद से कोई नहीं आया है। एक आया था उड़ीसा वाला, ये सितंबर लास्ट में आया था, तो मैं कोरापुट एसपी सर से मिला था, वो नंबर को जाकर मैंने दिया था उनको, व्यक्तिगत जाके गए दिया था, तो वो सर बोले कि ये सब फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। जैसे मान लीजिए ये मैंने स्टेशन पे कहीं लगाया हूँ, तो ऐसा देख के कोई फ्रॉड, ऐसा नंबर देख के वो ऐसा झूठ का कॉल किया है, उन्होंने ये कहा। जिस तरह से आपने देखा कि एक बूढ़े माता पिता वो अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं और देश की सरकार से भी अपील कर रहे हैं, क्योंकि उनके बुढ़ापे का सहारा सिर्फ उनका इकलौता बेटा ही था जो अब गुमशुदा है। मार्च के बाद से उसका कोई पता नहीं है। भारत जैसे देश जो कि लोकतंत्र का देश कहा जाता है, जहाँ कानून का राज चलता है, जहाँ कानून को सर्वोपरि माना जाता है, तो क्या इन बूढ़े माता पिता को न्याय दिला पाएगा? क्या इन बूढ़े माता पिता के बेटे से इन्हें मिलवा पाएगा? कैमरामैन संजय पांडे के साथ दिदीति शर्मा, एन भारत।